हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल AGTV, दैट इज़ एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल वीडियोस। आज हम देखेंगे जैसेट के बारे में, और जो मैं पॉइंट कवर करूँगी वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड है अबाउट जैसेट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसेट्स दिखते कैसे हैं। जैसेट सेल सैप सकिंग कीट होते हैं, मतलब जो पौधे में तरल तत्व होता है, जिसे हम वाटरी फ्लूइड भी कहते हैं, उसे चूसने वाले कीट जैसेट कहलाते हैं। सेल सैप चूसते समय कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, मतलब कुछ विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पीलापन और कलरिंग की समस्या हमें दिखाई देती है, और इसी वजह से ग्रोथ रुक जाती है और फूल फल गिरने की समस्या दिखाई देती है हमें पौधे के ऊपर। ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन में जैसेट का कॉमन नेम है जैसेट, लोकल नेम इज ट्यूड, साइंटिफिक नेम एमरेस्का डेवियस्टेंस, फैमिली सिकाडिलिएडी, ऑर्डर हेमिप्टेरा एंड पेस्ट कैटेगरी सैप फीडर्स। ये हमारा सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन था जैसेट के लिए। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इंसेक्ट स्टेजेस। ये इनके कितने स्टेजेस होते हैं, तो जैसे के तीन स्टेजेस होते हैं, वो हैं एग, निम्फ एंड अडल्ट। एग जो होते हैं वो हमेशा कर्व्ड होते हैं, मतलब मुड़े हुए होते हैं, और हल्के पीले कलर के होते हैं, हमेशा मिड रिब्स में डीपली धंसे होते हैं। अब मिड रिब्स क्या होते हैं, जिन्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है तो मैं स्क्रीन पे फोटो लगा दी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं निम्फ की तरफ। निम्फ जो होते हैं वो हमेशा फ्लैट होते हैं और अपने बॉडी के रिलेशन में हमेशा डायगोनली चलते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने शरीर के संबंध में तिरछे चलने की इनकी हैबिट ही रहती है। ठीक है, ये हमेशा येलोइश ग्रीन कलर के आपको मिलेंगे और पत्तियों के निचली सतह में हमेशा पाए जाते हैं। अब अडल्ट को देखते हैं। अडल्ट 3.5 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। इनकी जो फोर विंग्स और वर्टेक्स रहती है, इनमें हमेशा आपको धब्बे दिखाई देंगे, और अडल्ट बहुत ही एक्टिव होते हैं अपने साइड मूवमेंट की तरफ, और बहुत ज़्यादा हॉप करते हैं। अब ये हॉप करना मतलब क्या होता है, हॉप करना मतलब जल्दी कूदना, और जैसे ही आप इसे डिस्टर्ब करेंगे, आप इन्हें डिस्टर्ब करेंगे, ये उड़ जाते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेचर ऑफ डैमेज बताएगी। तो निम्फ और अडल्ट दोनों प्लांट के सैप को चूसते समय कुछ टॉक्सिन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस होता है वो वीक हो जाता है। फोटोसिंथेसिस वीक होना मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कमज़ोर हो जाती है। जो निम्फ के फर्स्ट और सेकेंड इंस्टार होते हैं वो पत्तियों की निचली सतह को खाते हैं, और जो लास्ट इंस्टार होते हैं वो पूरे पौधे पे फैल जाते हैं, लेकिन हमेशा पत्तियों की निचली सतह पे पाए जाते हैं, और हमेशा पत्तियों की निचली सतह को ही खाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम अपनी देखेंगे। सिम्टम्स, उनके लक्षण क्या क्या हैं। तो जो इफेक्टेड पत्तियां होती है, इफेक्टेड जो पत्तियां आपको दिखाई देंगी वो नीचे की तरफ मुड़ी हुई पाएंगे आप हमेशा, और पीले कलर की पाएंगे, और जैसे ही वो गिरने वाली रहती हैं या सूखने वाली रहती हैं, वो ब्राउन कलर में टर्न हो जाती हैं। ठीक है, जो सीवियर इन्फेक्टेड प्लांट है, जिनमें सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, तो सीवियर इन्फेक्शन की वजह से जो यंग प्लांट होते हैं अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, और उनमें होपर बर्न इंजरी हो जाती है। अभी होपर बर्न इंजरी क्या है, होपर बर्न इंजरी एक नॉन कंटेजियस, मतलब नॉन कम्युनिकेबल है, जिसे हम गैर संक्रमित बीमारी भी कहते हैं, जो कुछ प्लांट होपर और लीफ होपर के डायरेक्ट फीडिंग की वजह से होती है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो लाइफ हिस्ट्री बताएगी। तो फीमेल पत्तियों के अंदर लगभग 15 अंडे डालती है। पत्तियों के अंदर मतलब जो लीफ वेन मैंने आपको पहले बताई थी, उस लीफ वेन के अंदर फीमेल हमेशा 15 अंडे डालती है। उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ऊष्मायन अवधि जो रहती है, 4 से लेकर 11 दिनों से होती है। ठीक है, मौसम कैसा है उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग निम्फल पीरियड हमेशा 7 से 21 दिनों तक रहता है। एक साल में एस्टिमेटेड, मतलब अनुमानित जनरेशन इनकी 11 हो सकती है, और निम्फ 5 बार मोल्टिंग भी करते हैं, और फीमेल
कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 अंडे देती है अपने लाइफ साइकिल में। हमारी नेकलाइट की तरफ बढ़ते हैं जो सीजनल डायनामिक्स बताएगी। निम्फ और अडल्ट के अलग अलग सीजनल फ्लक्चुएशन पैटर्न होते हैं, मतलब अलग अलग मौसमी उतार चढ़ाव होते हैं। जैसे ड्राई सीजन में, मतलब सूक्ष्म मौसम में, अलग अलग वैरायटी के वाइल्ड होस्ट, जिसे हम जंगली मेजाबनों भी कहते हैं, पर जैसे सर्वाइव करते हैं। निम्फ और अडल्ट का फ्लक्चुएशन मौसम मौसम पर वैरी करता है, और निम्फ जो पॉपुलेशन होती है बीज के उगने के सेकेंड वीक, मतलब दूसरे सप्ताह से चालू हो जाती है। 2001 के बाद कॉटन की जो जैसिड की जो पॉपुलेशन है कॉटन में, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, मतलब बहुत ज़्यादा हमें वेरिएशन दिखाई दिया, क्योंकि बहुत अच्छे केमिकल से सीड का ट्रीटमेंट किया गया था, जिस केमिकल का नाम है नियोनिकोटिनोइड। इस केमिकल की वजह से सीड ट्रीटमेंट करने के बाद कॉटन में जैसिड की समस्या बहुत हद तक हमें कम दिखाई दी। जैसिड जुलाई अगस्त के महीने के बीच में कीट की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, और मौसम के अनुसार कॉटन में जैसिड की पॉपुलेशन 11 जनरेशन तक बढ़ सकती है। ये थे कुछ सीजनल डायनामिक्स। अब हम पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ देखेंगे कि इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो इन सबसे पहले तो आप सीड ट्रीटमेंट करें। जब भी आप कोई बीज लगा रहे हैं तो इमिडाक्लोरोप्रिड या थायमाथोक्सोन से सीड ट्रीटमेंट करें। बायोलॉजिकल कंट्रोल चाहते हैं आप तो क्राइसोपरला कार्निया करके एक इंसेक्ट है, आप गूगल में डाल के इमेजेस देख सकते हैं, तो वहाँ से आप देख लें। क्राइसोपरला कार्निया करके इंसेक्ट है, वो बहुत अच्छे होते हैं, बायोलॉजिकली बहुत मदद करते हैं कीट के लिए। आगे मैं इनके बारे में और बताऊँगी आपको। और ऑर्गेनिकली अगर आप ट्रीट करना चाह रहे हैं तो सीड करनाल यूज़ कर सकते हैं, नीम की या क्रूड नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको केमिकल कंट्रोल चाहिए तो ये कुछ केमिकल्स हैं, जैसे एसीटामाप्रिड हो गया, कॉम्बिनेशन में आ गए थायोमेथोक्सोम या क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन, प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन, सिंगल इमिडाक्लोरोप्रिड कई परसेंटेज में आते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर इनमें से कोई भी केमिकल चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने छोड़ दी है, तो आप वहाँ उस लिंक के थ्रू ले सकते हैं। तो ये थे पेस्ट मैनेजमेंट। अब हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो क्राइसोपरला कार्निया है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्राइसोपरला कार्निया, जिसे ग्रीन लेस विंग के रूप में भी जाना जाता है, इनके जो अडल्ट होते हैं वो हमेशा नेक्टर, पॉलन और एफिड के हनी ड्यू को खाते हैं, और जो इनके लार्वा होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रेडेटर होते हैं। एक्टिव प्रेडेटर मतलब सक्रिय शिकारी होते हैं, और एफिड, जैसिड और दूसरे जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको खाते हैं। तो ये थे बायोलॉजिकल कंट्रोल इंसेक्ट के। मैं आपको इसकी फ़ोटो डाल देती हूँ, आप देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।